बांदा के मटौन थाना अंतर्गत भूरागन चौकी क्षेत्र बजरंगपुरवा के दुरैडी गांव निवासी कृष्णा के बच्चे सृष्टि 3 वर्ष आदर्श 1.5 वर्ष आज दोपहर में घर में ही खेल रहे थे। खेलते खेलते दोनों भाई बहन अचानक कहीं गुम हो गए। पहले परिवार वालों ने बच्चों को काफी तलाश किया। जब बच्चों का कहीं पता नहीं चला तब परिवार वालों ने बच्चे के गुम होने की सूचना पुलिस को दी। दो बच्चों के एक साथ गायब होने की सूचना से पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। किसी अनहोनी की आशंका के चलते पुलिस ने त्वरित ये सूचना सोशल मीडिया में वायरल करने के साथ ही तुरंत जांच में जुट गई। घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए भारी फोर्स के साथ COCT ने जांच शुरू की। सबसे पहले उन्होंने घर का कोना कोना छाना। पुलिस के मुताबिक बच्चे घर में खेल रहे थे। घर के दरवाजे अंदर से बंद थे, इसीलिए संभव था कि बच्चे घर पर ही कहीं खेलते खेलते कहीं सो तो ना गए हों। इस आशंका के मद्देनजर पुलिस ने पूरे घर की गहनता से छानबीन की और इस छानबीन के दौरान पुलिस ने घर में रखा भूसे का ढेर और भूसे के ढेर में उस वक्त सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, जब लोगों ने देखा कि दोनों मासूम भाई बहन एक दूसरे के साथ लिपटे पड़े हुए थे। बच्चों के शरीर एक पन्नी से ढके हुए थे। पुलिस ने तुरंत दोनों बच्चों को बांदा जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर पहुँचाया, जहाँ डॉक्टर ने जाँच पड़ताल करते हुए दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। दोनों बच्चों की मौत की खबर से पूरे परिवार में कोहराम मच गया। माता पिता सहित पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं गांव के लोग भी इस खबर से बेचैन हो गए हैं, जो भी बच्चे को मारने की खबर सुन रहा है अस्पताल की तरफ भाग कर आ रहा है। देखते ही देखते अस्पताल में सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठे हो गए और परिवार वालों को धैर्य बंधाया। पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई। अस्पताल के EMO डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि दोनों बच्चे मृत अवस्था में आए थे। डॉक्टर के मुताबिक प्रथम दृष्टया दम घुटने से मौत होना प्रतीत होता है। बांदा से संवाददाता धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। ये भूसा में मिले जी। क्या कोई रंजिश थी क्या? श्रीमान जी रंजिश तो अब क्या बताएं, अब देखा किसी को नहीं है, ऐसे कैसे हम किसी को कह दे। लेकिन अब इसकी इंक्वायरी थोड़ा जांच अच्छे से, मतलब सच सच तक ये चल जाए कि इतना बड़ा अन्याय आखिरकार किया किसने। घर के बाहर ये खेल रहे थे ना? ये घर के अंदर भी खेल रहे थे, बाहर भी थोड़ा आंगन में आसपास खेलते रहते थे। क्या लगता है कि रंजिश की वजह से है? श्रीमान जी रंजिश की वजह से है। इसमें भूसा था, भूसा में पन्नी थी, पन्नी में दोनों मेरे बच्चे फोल्ड। दोनों बच्चों के नाम क्या है? जब मैं वहाँ जब जानकारी हुई इधर उधर देखा तो नहीं मिले कहीं, तो हमने पुलिस को सूचना दिया। ये दोनों सगे भाई सगे बहने भाई श्रीमान जी, मेरी बड़ी बेटी है वो मेरा लड़का। नाम क्या बच्चों का? बच्चों का नाम इसका सृष्टि है, उसका आदर्श है। इनको इनको खोजा किसने, पुलिस ने या परिवार वालों ने? पुलिस ने, पुलिस ने खोजा। क्या नाम है आपका? सीओ साहब गए तो वहाँ देखा कि भूसा यहाँ देखो भूसा में तो नाम नहीं है। क्या है आपका? हमने सब जो देखा तो वहाँ भूसा में पन्नी में फोल्ड मेरे दोनों बच्चे, ऊपर से भूसा निकाला गया। क्या नाम क्या है आपका? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी, कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले भैया? द्रेड़ी बजरंगपुर। ठीक। क्या है पूरा मामला? ये आदर्श और सृष्टि दो बच्चे थे, ये श्री कृष्ण यादव के बच्चे हैं और इनकी लाश इनके घर के अंदर ही भूसे का ढेर है, उसमें प्लास्टिक शीट है, उसके भीतर चली गई थी और ऊपर से भूसा गिर गया था। जब ये लोग खोजते खोजते अपने घर के अंदर पहुंचे तो उसी के अंदर उसकी लाश मिली और इसका पंचायतनामा और की सारी कार्यवाही हो रही और प्रथम दृष्टया ये एक्सीडेंटल दिख रहा है और जैसा भी होगा उसमें आप। परिजनों का कुछ आरोप है कि किसी ने दबा के भूसे में मार डाला है, क्या कुछ अभी तक? इनके घर के अंदर है और प्रथम दृष्टया ये पूरी तरह से एक्सीडेंटल प्रतीत होता है। परिजनों का जो भी आरोप हो इस संबंध में, चूँकि घर के अंदर का उन्हीं के घर के अंदर का मामला है, इसलिए पुलिस इसकी प्रॉपर जांच करी। प्रथम दृष्टया ये पूरी तरह से एक्सीडेंटल ही लग रहा है। डॉक्टर साहब, दो बच्चे यहाँ आए थे, क्या था मामला पूरा? ये आदर्श 1.5 साल का बच्चा है और सृष्टि इसकी सिस्टर 3 साल की फीमेल, जो बजरंगपुरवा बुरेड़ी से ब्रांडेड लाए गए पुलिस द्वारा। बताते हैं घटनाक्रम में कि जो है भूसे के नीचे जो है दबे मिले बच्चे, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई। कैसे, क्या एक अंदाज़ा लगाया जाए कि मृत्यु कैसे हुई होगी? और शरीर को देखने में तो कोई आउटर इंजरी नहीं पाई गई हमने देखा, तो दम घुटने से ही मौत का अंदेशा लगाया जा सकता है।